नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चाहे यूपी के बुलेटिन अपना तो प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बलिया की। बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बड़ा खेला सामने आया है। बता दें कि यूपी सरकार सामूहिक विवाह योजना के जरिए गरीब बेटियों की शादी करवाने और उन्हें आर्थिक सहायता देने का दम्भ भरती है, लेकिन बलिया में सरकार की इसी योजना में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। बलिया में सामूहिक विवाह योजना में बिना दुल्हों के ही दुल्हनों की शादी करवा दी गई। सोशल मीडिया पर फर्जी वाड़े का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में दुल्हनों ने के गले में दुल्हे नहीं बल्कि दुल्हनें खुद वरमाला डाल रही हैं। जो कुछ युवक दुल्हे बनने की एक्टिंग कर रहे हैं उनके चेहरे पर भी कपड़े से ढका हुआ है। इतना ही नहीं, सिंदूर दान के वक्त भी दुल्हनों का घूंघट नहीं उठाया गया। जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के बहाने सरकार पैसे को डकारने के लिए दुल्हा दुल्हन को 500 से लेकर 3000 रुपए तक पे किराए पर पंडाल में लाया गया था। वायरल वीडियो 26 जनवरी का बताया जा रहा है। सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रम मनिया इंटरनेशनल कॉलेज में आयोजित किया गया था। यह दावा किया गया था कि समाज कल्याण विभाग की ओर से 568 जोड़ों की शादी करवाई गई है। अब मामला सामने आने के बाद डीएम ने जांच बिठाई। जांच टीम ने रिपोर्ट भी डीएम को सौंप दी। इस मामले में समाज कल्याण विभाग के एडीओ के अलावा 8 फर्जी लाभार्थियों पर फर्जीवाड़े का मुकदमा किया गया है। हालांकि डीएम का कहना है कि अभी तक लाभार्थियों में धनराशि नहीं बांटी गई है। बता दें कि कार्यक्रम में बीजेपी के महिला विधायक केतकी सिंह भी पहुंची थी। अब मामला सामने आने के बाद केतकी सिंह दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही हैं। मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने सरकार से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहाँ पे 2-3 लोग हमको बलिया ही बैठा दिया तो मैं बैठ गया। किस लिए बैठा दिया? जबरदस्ती ऐसे ही बैठा दिया था। क्या कह लो आपको? बोले थे कि 2-3 हज़ार रुपया देंगे, बढ़ जाओ। किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए तो आप बैठ गए वहाँ। फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठकर। कहाँ चले गए? देखने के लिए। मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट सामूहिक शादी का, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इस ड्रीम प्रोजेक्ट का सत्यानाश कर दिया गया। आप लोगों की ही बाइक को मैंने देखा, फेसबुक पर चल रहा था कि लड़की अपना माला अपने डाल रही है, लड़का अपना माला अपने डाल रहा है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार, जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, जब ड्रीम प्रोजेक्ट की स्थिति है माननीय मुख्यमंत्री जी आपके, तो और प्रोजेक्टों की क्या हालत होगी आप सोच लीजिए। 4 दिन पूर्व विकासखंड मनियर में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, तत्काल उसका संज्ञान लिया गया और उसमें टीम गठित करके जांच कराई गई। अभी तक लाभार्थियों को धनराशि वितरित नहीं की गई थी और जांच में जो लोग दोषी पाए गए हैं, एडीओ समाज कल्याण सहित 9 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करा दी गई है। अन्य जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एडीओ समाज कल्याण के विरुद्ध कार्रवाई हेतु पत्र भी प्रेषित किया। वहाँ पे 2-3 लोग हमको बलिया ही बैठा दिया तो मैं बैठ गया। किस लिए बैठा दिया? जबरदस्ती ऐसे ही बैठा दिया था। बैठ गया था। क्या कह लो आपको? बोले थे कि 2-3 हज़ार रुपया देंगे, बढ़ जाओ। किस लिए? तो ब्रिटेन में बात और रामपुर की कर लेते हैं, जहाँ मंत्री बलदेव औलख के बेटे की शादी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के बेटे गुरकीरत सिंह औलख की शादी के रिसेप्शन में रामपुर पहुंचे। उन्होंने वरवधु को खुशहाल दंपत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत कई मंत्री, विधायक और सांसद पहुंचे थे। देखिए, मैं उनका, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मंत्रीगण का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो मेरे जैसे कार्यकर्ता के यहाँ पर आए और मेरे बेटे की शादी में शामिल हुए और बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया। मैं बहुत बहुत उनका ऋणी और धन्यवाद। और कौन कौन मंत्री आए थे सीएम साहब के अलावा? देखिए, मंत्री स्वतंत्र देव जी थे, मनुलाल कोरी थे, कृष यादव थे, अनिल राजभर थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी थे, माननीय दानिश आज़ाद थे, माननीय कई
तो बुलेटिन बात रामपुर की ही कर लेते हैं, जहां समाजवादी पार्टी नेता आजम खां को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने डकैती मामले में उन्हें बरी कर दिया है। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साल 2019 में उन पर दर्ज हुए लूट और मारपीट के केस में बेगुनाह मानते हुए बरी कर दिया। डूंगरपुर केस में कोर्ट ने सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खां सहित सभी सात आरोपियों को भी बरी कर दिया। दरअसल यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान रामपुर में पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर के में आसरा कॉलोनी बनाई गई थी, जहां पहले ही कुछ मकान बना दिए गए थे जिन्हें सरकारी जमीन पर बने बनाकर साल 2016 में तोड़ दिया गया था। तोड़े गए मकान मालिकों ने सरकार बदलने पर साल 2019 में गंज थाने में कुल 12 पीड़ितों ने अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए थे। इनमें आरोप था कि समाजवादी पार्टी सरकार में आजम खां के इशारे पर पुलिस और सिपाहियों ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली करवाया और उनके साथ मारपीट और लूटपाट की। फरियादियों ने आरोप लगाया था कि मकानों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त किया गया। अदालत का फैसला आने के बाद आजम खां को भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में रामपुर से सीतापुर ले जाया गया। दरअसल वर्तमान में आजम खां सीतापुर जेल में कैद हैं, जहां डूंगरपुर मामले में आजम खां को अलावा रिहाई पाने वाले में रिटायर्ड सीओ आले हसन और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अली समेत सात बाकी आरोपी हैं। बता दें कि अदालत ने कुल 8 आरोपियों को डूंगरपुर बस्ती मामले में रिहाई का फैसला सुनाया है। इस दौरान आजम खां के वकील जुबैर अहमद ने मामले की जानकारी दी। जी, ये डूंगरपुर से रिलेटेड मैटर था, जिसमें 2016 में उनका एलिगेशन है कि 3/2/2016 में डूंगरपुर के घर पे आले हसन साहब, उस टाइम तत्कालीन सीईओ, उस टाइम के चेयरमैन और तमाम दीगर लोग ये आए और उन्होंने हमारे घर को तोड़ लिया और 15,000 रुपए लूट के चले गए। तो ये एलिगेशन हम न्यायालय के अंदर प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाया। ये जमीन डूंगरपुर की सरकारी लैंड थी, जिसके सिलसिले में जो लोग थे, जो भू माफिया थे, वो 2012 से इनके कार्रवाई चल रही थी और 2012 में ही एसडीएम साहब ने ऑर्डर कर दिया था कि ये जो है इसमें लेखपाल से मिलके रेवेन्यू रिकॉर्ड में फर्जी एंट्री कराई गई है और वो इसके ना मालिक है ना उनका पोजीशन है। 2012 के बाद उन्होंने हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, तमाम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनको कहीं से राहत नहीं मिली और ये कंफर्म हो गया कि ना उनका टाइटल है और ना ही उनका इसके अंदर। तो बुलेटिन में बात फरुखाबाद की कर लेते हैं, जहां दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है, जिससे डर कर एक दिव्यांग दलित बुजुर्ग ने अमरन अनशन शुरू कर दिया है। तो फरुखाबाद में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया, जहां दबंगों के डर से एक दिव्यांग दलित बुजुर्ग ने अपने मकान पर बिकाऊ के पोस्टर लगाए। बता दें कि दिव्यांग दलित दबंग से परेशान होकर मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाकर अमरन अनशन पर बैठ गया। ये सारा मामला कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के रविदास नगर का बताया जा रहा है, जहां पीड़ित दिव्यांग ने दबंग पर उसकी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया, साथ ही दबंग पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। पीड़ित ने बताया कि अधिकारियों से मामले की जानकारी देने के बाद भी दबंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब पीड़ित दिव्यांग ने उच्च अधिकारियों से मामले में न्याय की गुहार लगाई है। हमारा खेत था पिताजी का और वो दबंग लोगों ने घेर लिया है, जब दबंग लोगों ने मकान घेर लिया, जब हम वहाँ जाते हैं तो वो हमको धमकी देते हैं, कहीं रास्ते में मिल जाते हैं तो वहाँ भी मार डालने की धमकी देते, साले यहाँ क्यों दिखाई देता है और हम क्या करें। वो साहब आपके मोहम्मदाबाद के हैं। तो बुलेटिन में बात सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं, जहां पंचायत सहायकों का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो सिद्धार्थनगर में पंचायत सहायकों ने प्रदर्शन किया, जहां डुमरियागंज विकासखंड के गांव के पंचायत सहायकों ने तहसील और ब्लॉक का घेराव किया। तो वहीं अपनी मांगों को लेकर पंचायत सहायकों ने डुमरियागंज एसडीएम और खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पंचायत सहायकों का कहना है कि हमारी नियुक्ति पंचायत सहायक ऑपरेटर के लिए की गई थी, लेकिन हमें पंचायत भवन में बैठाकर काम करना था इसलिए और गांव के लिए काम किया जाना था, लेकिन अब हमारी ड्यूटी ई क्रॉप के लिए लगाई जा रही है और वहां जाके हमें खेत में सर्वे का काम करने को कहा गया है। वहीं इस मामले को लेकर खंड विकास अधिकारी डुमरियागंज अमित सिंह ने बताया है कि पंचायत सहायक आए थे, तहसील से उनकी ड्यूटी क्रॉप सर्वे में लगाई गई है, हमारी ग्राम स्तर की ड्यूटी है, इसको लेकर पंचायत सहायकों का विरोध भी देखने को मिल रहा है, जिस पे अब कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, मैं ग्राम पंचायत चौकनिया का पंचायत सहायक हूँ, विकास खंड डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर। आज आप लोग यहाँ आए हैं एसडीएम साहब के पास में, क्या मामला है? हम लोगों का मामला ये है कि हम लोगों की नियुक्ति सरकार ने जो शासन स्तर से की है वो ग्राम पंचायत में कार्य करने के लिए की है, अन्य ग्राम पंचायत में बिल्कुल भी काम करने के लिए नहीं की गई है और हम लोगों को ड्यूटी क्रॉप सर्वे में लगाया गया है,
जो कि हम ना हमारे विभाग का कार्य है और जबरन हम लोगों का कार्य करने के लिए जब फोर्स किया जा रहा है, हम लोग इसका बहिष्कार मतलब नहीं करना चाहते, इसके लिए ज्ञापन दिया है वकील साहब को। मामला है कि तहसील से उनकी ड्यूटी क्रॉप सर्वे में लगाई गई है यहाँ डुबरियागंज ब्लॉक का, तो उनका कहना है कि दूर दूर लगा दिया गया है, हमारी ग्राम पंचायत स्तर की ड्यूटी है और जॉब चार्ट में उनके ये है कि ग्राम पंचायत स्तर पर काम लिया जाए। इसी तो ब्रिटेन बात शाहजहांपुर की कर लेते हैं, जहां इनर व्हील संस्था की मंडल अध्यक्ष शाहजहांपुर पहुंचे। इस दौरान इनर व्हील संस्था के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो इनर व्हील संस्था की मंडलाध्यक्ष सुनीता गर्ग शाहजहांपुर पहुंची, जहां उन्होंने इनर व्हील संस्था का भ्रमण किया। इस दौरान अध्यक्ष नीलम गुप्ता और सचिव रागिनी कपूर ने मंडलाध्यक्ष सुनीता गर्ग का बुके देकर सम्मानित किया। तो वहीं मंडलाध्यक्ष को संपादक ज्योति गुप्ता के मटर प्लांट पर बनाई गई इनर व्हील वाटिका भी दिखाई गई, जिसके बाद मंडलाध्यक्ष सुनीता गर्ग सीतापुर अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना, जिसके बाद उन्होंने मरीजों को कंबल भी बांटे। हमारा जो प्रोजेक्ट था वो हमने अपनी चेयरमैन को दिखाया। हमारा वृद्धाश्रम में जो लगातार हो रहा है, हर महीने 15 दिन में भी चले जाते हैं हम लोग, पूरी सर्दी का अलाव लगवाया है हमने और हर महीने जाते हैं। और आज हम लोगों ने इनर बांटा है वहाँ, गर्म इनर, और वहाँ साड़ियाँ एम्बुलेंस सभी कुछ हम लोग बांटते हैं। मतलब हर समय हम लोग हर बार हर महीने उनके साथ में हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, हमारी सभी बहनें, हम सभी लोग जाते हैं। और मैम को मैंने सीतापुर आई हॉस्पिटल में मैं ले गई थी, वहाँ जो हमने कैटरेक्ट का अभी कैंप लगाया था गांव में, उसके मरीजों का ऑपरेशन हुआ है अभी, तो उनसे मैंने मिलवाया था, उनके हाथों से कंबल दिलवाया था हमारी चेयरमैन की। नमस्कार, मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन संध्या गुप्ता हूँ। मैं यहाँ पे शाहजहांपुर के चेयरमैन विजिट पर आई हूँ। चेयरमैन विजिट एक समीक्षा का वो होता है, जहाँ पे मैं साल भर की जो उनकी वर्किंग होती है वो देखती हूँ। और शाहजहांपुर क्लब जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो एक सस्टेनेबल और एक साल भर चलने वाले प्रोग्राम्स करता है, कि जैसे कि उन्होंने वृद्धाश्रम। तो ब्रिटेन बात बागपत की कर लेते हैं, जहाँ बिनौली के प्राथमिक स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। तो बागपत के बिनौली गांव में प्राथमिक विद्यालय में अभिभावक बैठक और वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा दिखाई। इस दौरान कविता, कहानी, रंगोली, लेखन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। तो वहीं मुख्य अतिथि ग्राम प्रधानपति उपेंद्र धामा ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तो ब्रिटेन बात गोंडा की कर लेते हैं, जहां गोंडा की एक कॉलोनी में विकास की पोल खुलती नजर आई। तो गोंडा के गायत्रीपुरम में प्रदेश सरकार की गांव के विकास की दावों की पोल खुलती नजर आई, जहां गड्ढों के साथ सड़क तालाब में तब्दील हो गई हैं। बता दें कि गायत्रीपुरम के से कटहा माफी शुकुल पूर्वा को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़क पर पानी निकासी ना होने से जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां नाली ना होने के कारण सड़क तालाब में तब्दील हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों, बच्चों और महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने और स्थानीय लोगों ने सड़क की मरम्मत करने के लिए गुहार भी लगाई है और अधिकारियों से प्रार्थना पत्र देकर सड़क को जल्द से जल्द ठीक करने की मांग की है। दिनेश कुमार शुक्ला हमारा नाम है। कटहा माफी में हम रहते हैं, पानी यहाँ भर जाता है, आगे निकास नहीं हो पा रहा है। ना ये करना पड़ रहा है कि पानी में कूद कूद के आना जाना पड़ रहा है, लोगों से डेली कहा सुनी होती है जो इसके लिए। नाली ये लोग बंद किया है। हाँ, और रात में कोई बच्चे बीमार हो तब वो ना इलाज मिलत है। हाँ। तो बुलेटिन बाद हाथरस की कर लेते हैं, जहाँ पुलिस ने मारुति शोरूम में हुई लूट का खुलासा किया और आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। तो हाथरस में मारुति शोरूम में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने और स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर किंदौली नहर के पास मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से शोरूम से लूटी हुई एक ब्रीजा कार, 4 बोरी स्पेयर पार्ट्स और एक अवैध तमंचा भी बरामद किया। अरे लाइफ के
दिनांक 23/24 जनवरी की रात्र में थाना क्षेत्र हाथरस गेट अंतर्गत एक मारुति शोरूम सर्विस सेंटर में बदमाशों द्वारा घुसकर गार्ड को बंधक बनाकर लूट की घटना कारित की गई थी। इस घटना से संबंधित वांछित अभियुक्त दानिश सनफ रफीक के बारे में सूचना मिल रही थी कि ये इसी क्षेत्र में है और लूटी हुई ब्रिजा गाड़ी के साथ और लूटे हुए माल के साथ आज इलाका छोड़ने वाला है। इस संबंध में थाना हाथरस गेट द्वारा चेकिंग की जा रही थी, किंदौली के पास नहर में नहर पर चेकिंग की जा रही थी। इस सामने से आती हुई सफ़ेद रंग की ब्रिजा गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाश ने गाड़ी न रोककर बल्कि पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। 23/24 जनवरी की तो ब्रिटेन में बात तो शामली की कर लेते हैं। शामली में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। तो शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने ये जानकारी दी। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि संभिलका गांव के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि बदमाश कंदला के मोहल्ला नई बस्ती का रहने वाला समयदीन है। समयदीन चोरी का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है, जिस पर बाकी राज्यों में भी मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुठभेड़ में घायल बदमाश और उसके साथी के आपराधिक इतिहास को अब खंगाला जा रहा है। देखिए, वर्ष 2023 और 2024 के 10 अभियोगों का अनावरण हुआ है, जिसमें समयदीन नाम के एक व्यक्ति के साथ मुठभेड़ हुई थी जो घायल हुआ था, और जो लगातार नकबजनिया क्षेत्र में हो रही थी उसका खुलासा किया गया है। समयदीन और उसके एक साथी शहजाद को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान जो इनसे जानकारी प्राप्त हुई है, तो ये सलमान नाम के एक व्यक्ति को जो मेरठ का रहने वाला है, उसे चोरी का सामान बेचते थे, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा इनका एक और साथी है जिसके विषय में उन्होंने बताया है, जो वांछित है, और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इनसे लगभग 39,000 रुपये कैश और उसके साथ जो है चांदी व सोने की कुछ ज्वेलरी जो है बरामद हुई है, जो अलग अलग अभियोगों से संबंधित है, जिसमें 4 अभियोग दयानंद नगर। तो बुलेटिन के आखिरी में बात प्रयागराज की कर लेते हैं। प्रयागराज में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। तो प्रयागराज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। चोरी की गई गाड़ियों के साथ पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हंडिया पुलिस और SOG गंगानगर की टीम ने ये कार्रवाई की है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी प्रयागराज समेत यूपी के कई जिलों और मध्य प्रदेश में भी बाइक की चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे और फिर नंबर प्लेट और चेसिस नंबर बदलकर बाइकों को सस्ते दामों में बेच देते थे। तीनों आरोपियों में से अनिल मिश्रा और अंकित मिश्रा प्रयागराज के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि कुलदीप त्रिपाठी कौशाम्बी जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई। 30/1/2024 को थाना हंडिया प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में व संयुक्त SOG की टीम के साथ भैंसकी ग्राम के पास मुखबिर की सूचना पर एक वाहन चोर गैंग को पकड़ा गया, जिससे 3 गाड़ियां मौके पर मिली तथा उन्हीं की निशानदेही पर 8 गाड़ियां और मिली। इनके विरुद्ध पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत हैं। इनके नाम अंकित, अनिल और कुलदीप हैं और तीनों शातिर चोर हैं जो आए दिन गाड़ियां चुराते थे। ये हंडिया पुलिस द्वारा बहुत अच्छा एक गुडवर्क किया गया, जिसकी वजह से इनकी चोरियों पर अंकुश लगेगा। और ये गैंग बनारस, मध्य प्रदेश, रीवा। तो यूपी के बुलेटिन अपना तो प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ABC स्टार न्यूज़।